सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप बाहरी कारणों को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर इससे आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो करते रहें जो आपको करते रहना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करते वक्त सिर्फ दो सोच रखनी चाहिए। अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो रास्ता मैं खुद बना लूंगा। सफलता खुशी का कारण नहीं है, बल्कि खुशी सफलता का कारण है। आज का पंचांग 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, सम 4:54 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:32 तक रहेगी। इसके उपरांत फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:31 से 2:08 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। धनुराशि 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार, आपको अपने अंतर्मन की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की स्थिति भी आ सकती है। आपको इससे थोड़ा सा डर रहेगा क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। आपका कोई करीबी भी आज भावनाओं में बहकर बात करेगा, लेकिन आपको जमीन से जुड़े रहकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देनी है। आपके आसपास का वातावरण सुकून भरा रहेगा। रुके हुए या अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। सही समय पर सही फैसला लेना आपके लिए सहायक रहेगा। घर में मेहमानों की भी आवाजाही रहेगी तथा आपस में मुलाकात से खुशी भरा वातावरण भी रहेगा। खुद के प्रति बढ़ती हुई नाराजगी को दूर करने की कोशिश करें। जितनी गलती आपने की है उन गलतियों को आप बदल तो नहीं सकते, लेकिन उनसे मिली हुई सीख से जीवन को बेहतरीन जरूर बना सकते हैं। इसलिए अपने खोए हुए विश्वास को पाने की कोशिश करनी होगी। काम से संबंधित बातें मन के मुताबिक आगे ना बढ़ने की वजह चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ बातें भी ठीक से होगी, इसीलिए संयम बनाकर रखें। पार्टनर के प्रति बढ़ती हुई नाराजगी को स्पष्ट स्वरूप से उन्हें बता पाना आपको कठिन लगेगा, लेकिन मन में दबा कर रखे हुए गुस्से की वजह से रिलेशनशिप और नकारात्मक बन सकता है। सावधानियां। अगर कार्य में कोई रुकावट आ रही है तो इसका कारण आपके अनुभव में कमी ही हो सकती है। और अधिक जानकारी हासिल करें। समान विचारधारा तथा सकारात्मक लोगों के भी संपर्क में रहें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार का वातावरण कुछ तनावपूर्ण रहेगा, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समझाने से व्यवस्था उचित हो जाएगी। विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खुशी से बिताएं। आपको परिचित चीजों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएंगे बजाय कि आप बाहरी चीजों पर बाहर आनंद उठाने जाएं। बात करते हैं करियर की। अपना बेहतर प्रयास डालें। आपने दूसरों का समर्थन किया है, वे अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते न जानते और आपके प्रयासों की सराहना करना वे भूल गए। आप ऐसे लोगों के बारे में चिंता ना करें और अपने प्रयास जारी रखें। अपने कार्य के प्रति अपनी भावनाओं को लगाएं, न कि उन लोगों के लिए जो आपको महत्व नहीं देते। बात करते हैं सेहत की। पेट दर्द और पाचन तंत्र से संबंधित तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। अपने शरीर के विकास के स्थान पर मानसिक विकास के बारे में भी सोचें।
आप अपने आप को शारीरिक रूप से तो फिट ही रखते हैं, लेकिन अपने अत्यधिक काम करने वाले मन का उतना ध्यान नहीं रख पाते। शांति रखें, किसी ऐसे मनोरंजक कार्यकलाप में हिस्सा लें जिससे आपके मन को भी ताजगी का अनुभव हो। अपना कुछ समय खुद को भी दें। एकाग्र रहने और ध्यान की कोशिश करें। आपने कई दिशाओं में भागते हुए मन को कोशिश करके अपने विचारों को एक दिशा देने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।